वही हुआ यार जिसका डर था, इन्होंने फोन में एग्जोनोस प्रोसेसर दे दिया। पैसा बर्बाद। और सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो आपको बता दूं कि M35 के अंदर हमें 6.6 इंचेस की फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ M55 के अंदर हमें 6.7 इंचेस की फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले यहां पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से दोनों स्मार्टफोन्स की एकदम बढ़िया वाली है, क्योंकि दोनों फोन्स के अंदर हमें सुपर एमोलेड पैनल मिल रहा है, अच्छी बात है, एकदम बढ़िया वाली कंटेंट वॉचिंग आपको करवा देगा। लेकिन यार दोस्तों अगर आपको सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले चाहिए ना भाई, तब आप यहां पर डेफिनेटली M55 की तरफ ही जरूर से जाइए। और ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो दोनों फोन्स यहां पर आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ में आते हैं जो कि One UI 6.1 पर बेस्ड है। और आपको बता दूं यार दोनों फोन्स के अंदर आपको 4 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे, भाई ये तो काफी बढ़िया बात है। लेकिन यार दोस्तों M35 के अंदर जो हमें प्रोसेसर मिल रहा है ना, उसकी वजह से इसके अपडेट्स को लेकर थोड़ा डाउट ही हो रहा है मन में, क्योंकि इस फोन के अंदर हमें Exynos 1380 5G चिपसेट दिया गया जो कि 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और यार Exynos का इतिहास तो आपको पता है भाई, लैग होते हैं, डे टू डे परफॉर्मेंस में काफी ज्यादा ड्रामा करते हैं यार ये वाले प्रोसेसर, गेमिंग बिल्कुल एवरेज वाली करवाते हैं, और मेन बात हीटिंग, दुनिया भर की हीटिंग इन Exynos प्रोसेसर के अंदर देखने को मिलती है भाई, तो ध्यान रखिएगा। पैसा बर्बाद। और वहीं दूसरी तरफ Samsung M55 के अंदर हमें Snapdragon 7 Gen 1 5G चिपसेट दिया गया जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। तो ओवरऑल भाई डे टू डे परफॉर्मेंस और गेमिंग दोनों ही मामलों में यहां पर Samsung M55 स्मार्टफोन ही विनर है, क्योंकि इस फोन के अंदर हमें Snapdragon 7 Gen 1 मिल रहा है जो कि एकदम बढ़िया गेमिंग आपको करवा देगा। Samsung वालों को खुद ही ना Exynos को बॉयकॉट कर देना चाहिए। और दोस्तों अगर आप इन दोनों फोन्स में किसी वाले को बाय करना चाहते हैं तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाकर आप इन्हें बाय कर सकते हैं। और अब बारी आती है भाई बैक कैमरा सेटअप की। तो दोनों फोन्स के बैक में ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है और इनका जो कैमरा सेटअप है ना बिल्कुल सेम है, यानी कि जो मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, और जो मैक्रो कैमरा वो है 2 मेगापिक्सल का। और आपको बता दूं दोस्तों M35 का जो मेन कैमरा ना काफी बढ़िया डिटेलिंग के साथ में आपकी फोटोज क्लिक कर देगा, लेकिन यार दोस्तों डिटेलिंग और भी बढ़िया वाली चाहिए, बारीक डिटेलिंग भी अगर आपको एकदम जबरदस्त तरीके से कैप्चर करनी है ना भाई, तब आप यहाँ पर डेफिनेटली M55 की तरफ ही जरूर से जाइए, क्योंकि इसका जो मेन कैमरा ना 50 मेगापिक्सल का भाई Samsung वालों ने काफी बढ़िया तरीके से ऑप्टिमाइज किया जो कि एकदम नेचुरल डिटेलिंग के साथ में आपकी फोटोज क्लिक कर देगा। और M55 के कैमरा सैंपल्स देखे तो भाई आपका दिल भी बिल्कुल खुश हो जाएगा। और अगर हम बात करें मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो दोनों फोन्स के बैक कैमरा से मैक्सिमम 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग एट 30 FPS पर कर सकते हैं। साथ ही वीडियो स्टेबिलाइजेशन के लिए दोनों स्मार्टफोन्स OIS प्लस EIS टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करते हैं। और सेल्फी लवर्स की अगर हम बात करें तो M35 के फ्रंट में हमें 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ M55 के फ्रंट में 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया। देखिए दोस्तों M35 का फ्रंट कैमरा अच्छी डिटेलिंग के साथ में आपकी फोटोज क्लिक कर देगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन डिटेलिंग और भी टॉप की चाहिए भाई, डेफिनेटली M55 की तरफ ही जरूर से जाइए, क्योंकि इसका जो फ्रंट कैमरा 50 मेगापिक्सल का अगेन यार काफी बढ़िया तरीके से ऑप्टिमाइज किया गया जो कि एकदम यार नेचुरल डिटेलिंग के साथ में आपकी सेल्फी फोटो भी क्लिक कर देगा यहां पर। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग अब दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरा से 4K तक एट 30 FPS पर कर सकते हैं। बैटरी डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो M35 के अंदर हमें 6000 mAh की बहुत बड़ी बैटरी दी गई है जो कि सिर्फ 25W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, सिर्फ 25W का एवरेज सपोर्ट आपको इस फोन में मिल रहा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और वहीं दूसरी तरफ M55 के अंदर हमें 5000 mAh की बैटरी दी गई है जो कि 45W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। तो डिसीजन दोस्तों आपको लेना है कि आपको बड़ी बैटरी वाला फोन लेना है फिर ज्यादा फास्ट चार्जिंग वाला। लेकिन यार दोस्तों दोनों फोन्स के बॉक्स में आपको कोई भी चार्जर नहीं मिलने वाला भाई, ध्यान रखिएगा, आपको चार्जर भी अलग से खरीदना पड़ेगा। Samsung वाले बताओ यार चार्जर ना फोन में देके अलग से पैसा कमा रहे हैं, कितनी गलत बात है यार ये तो। और नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए दोनों फोन्स फुली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। 3.5 mm जैक हमें दोनों फोन्स में किसी में भी नहीं दिया गया, लेकिन दोस्तों दोनों फोन्स में हमें स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं। और अगर हम बात करें सिक्योरिटी की तो भाई M35 के अंदर हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेशियल लॉक दिया गया, वहीं दूसरी तरफ M55 के अंदर हमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेशियल लॉक देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं दोनों फोन्स की प्राइसिंग की। तो आपको बता दूं कि M35 स्मार्टफोन के 8 प्लस 128 GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 16000
5500 रुपए। वही दूसरी तरफ M55S स्मार्टफोन के 8+128GB वेरियंट की प्राइसिंग है 20,000 रुपए। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना भी इन दोनों स्मार्टफोन के लिए, तो देखिए दोस्तों, अगर आपको 16,500 के हिसाब से ओवरऑल सैमसंग की तरफ से बढ़िया फोन चाहिए, बट डेफिनेटली आप यहाँ पर M35 की तरफ जरूर से जाइए, लेकिन हीटिंग इश्यू मिलेगा, ध्यान रखिएगा। और वहीं दूसरी तरफ यार, ओवरऑल आपको अगर बढ़िया डील चाहिए तब आप यहाँ पर डेफिनेटली M55 की तरफ जरूर से जाइए। तो बस दोस्तों, यही थे मेरे कुछ ओपिनियंस इन दोनों स्मार्टफोन्स के लिए।